हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सिट्रोन C3 आ चुकी है, इसके प्राइजेज आ चुके हैं, कुछ वेरियंट्स बहुत वैल्यू फॉर मनी है और ये गाड़ी आपको मैंने रिकमेंड भी की है। बट एट द सेम टाइम अभी कंपनी नई है, इसको हिंदुस्तान में अपने पैर फैलाने में, पैर जमाने में कुछ समय ज़रूर लगेगा। तो थोड़ी सी सर्विस रिलायबिलिटी को लेकर लोगों के मन में आशंका होगी, और जो जायज़ भी है, ये टाइम इम्प्रूव कर पाएगा कि कितनी गाड़ियाँ बेचती है, ये क्या कस्टमर को सर्विस दे पाती है, कितनी रिलायबल की कार्स होने वाली हैं। तो इस बजट में अगर आप और कोई अच्छी गाड़ियाँ देखना चाहते हैं, उसमें मैंने हालांकि कुछ कंपेरिजन्स ऑलरेडी कर रखे हैं अपने चैनल पर, बट आज मैं कुछ और गाड़ी के साथ आपको इस लिस्ट में एक नाम जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैंने नाम कहे, अगर आप सिट्रोन C3 की तरह उस बजट में, करीब 7-8 लाख रुपए का आपका बजट है, अगर हम लोअर वेरिएंट्स को और हायर एंड वेरिएंट्स को लेके चलें, तो करीब 6.5 से 8.5 लाख तक का बजट मैं काउंट कर रहा हूँ उसमें। सबसे पहली गाड़ी जो होगी वो होगी डायरेक्ट ट्रेवलिस का टाटा पंच। इट्स अ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल मशीन, सिवाय इंजन में थोड़ा माइलेज को लेके या फिर पावर को लेके इशूज़ हैं, उतना अच्छा नहीं है। बाकी आप जिस भी उसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक की उस गाड़ी में, सब कुछ बहुत अच्छा है। सस्पेंशन, राइड हैंडलिंग, लुक्स, ग्राउंड क्लियरेंस, हाई सीटिंग पोजीशन, सेफ्टी टाटा की, सर्विस, तो एवरीथिंग इज़ प्रीटी गुड। और प्योर रिदम पैक मैं इसका शुरू से रिकमेंड करता आया हूँ, तो आपको लगभग 6,80,000-90,000 रुपये में, 7 लाख में ऑन रोड गाड़ी मिल जाती है, सब कुछ कंपनी फिटेड आपको मिल जाता है। जो बेसिक फीचर्स होते हैं, चाहे वो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हो, टच स्क्रीन सिस्टम हो, म्यूजिक सिस्टम हो, स्पीकर्स हो, एक्सेट्रा, तो वो गाड़ी बहुत अच्छी है। बलिनो मैंने पहले कहा है कि उसका सिग्मा जो बेस मॉडल है बहुत अच्छा है, आपको व्हील कैप्स और म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा, बहुत अच्छी है, आपको रिलायबिलिटी मारुति की मिलेगी और रीसेल वैल्यू मिलेगी, उसके साथ ही आपको इंजन पावरफुल भी है, माइलेज भी देगा, हालांकि एक हैचबैक है बट प्रीमियम स्पोर्टी है बड़ी। उसके अलावा दोस्तों होंडा अमेज भी एक नाम है, बट पता नहीं क्यों गाड़ी मार्केट में उतनी बिक नहीं रही है, हालांकि गाड़ी है बहुत अच्छी। कुछ लोगों के मन में कंपनी को लेकर इशूज़ थे कि होंडा कितना बेच पाएगी अपनी कार्स को, कितना होंडा इंडिया में सर्वाइव करेगी, बट स्टिल होंडा अमेज इज़ अ ग्रेट पिक। उसका भी बेस मॉडल बहुत अच्छा है, 4-स्टार सेफ्टी के साथ है, और उतना अच्छा माइलेज पंच तो नहीं इंजन में, बट काफ़ी रिफाइंड है, स्मूथ है इंजन, बड़ी गाड़ी है, सेडान है, बूट स्पेस, आपको सीट स्पेस, एक स्टेडियम सिंबल वाली गाड़ी है, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। फाइनली जो नाम मैं आज इस लिस्ट में जोड़ना चाहूँगा वो है दोस्तों हुंडई की ओर से, और मेरा ख्याल है उस गाड़ी की ओर हमने ज़्यादा निगाहें नहीं अपनी घुमाई थी, तो वो गाड़ी है हुंडई i10। i20 भी एक नाम है बट वो थोड़ा प्रीमियम चला जाता है, उससे अच्छा मैं बलिनो को कंसिडर करता हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं, इसलिए मैं i20 नहीं कह रहा, i10 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसका बेस मॉडल देखें दोस्तों, 6 लाख रुपये ऑन रोड आता है, ऑन रोड न्यू सिस्टम नहीं मिलता, व्हील कैप नहीं आते लाइक बलिनो, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको हुंडई की अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छी कंपनी की, और रिलायबल कार है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, आपको इंजन 4 सिलेंडर मिलता है 1200 cc का, जो सोनेटर वेन्यू में भी आता है, 20 में भी आता है, तो स्मूथ है, काफ़ी रिफाइंड है, माइलेज भी आपको अच्छी मिलेगी, तो आप और क्या चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है i10 एक बहुत अच्छी पिक रहेगी आपके लिए, बेस मॉडल खासकर, उससे ऊपर वाला मॉडल जिसमें न्यू सिस्टम आता है वो करीब 6,60,000 का पड़ जाता है। मेरा ख्याल आप 6 लाख में i10 लें, कंपनी सही 15-20-10 हज़ार का न्यू सिस्टम लगवा लें वारंटी के साथ, विल बी वेरी गुड टू गो। मैं एक छोटी गाड़ी प्लान कर रहा था हमारे ग्रैंडफादर के लिए, तो उसमें हमने कई सारी गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट की थी, बट अभी i10 अब हमें काफ़ी पसंद आ रही है, हालांकि उतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस या हाई सीटिंग पोजीशन तो नहीं होगी, बट ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है, तो वो गाड़ी भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जय हिंद।